नर्मदे हर। पहली बार मेरे राजनीतिक जीवन में रावगढ़ नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हूं। मैं नर्मदा परिक्रमा पर हूं और उसे छोड़कर आना संभव नहीं है, लेकिन राघोगढ़ जो छोटा सा एक नगर हुआ करता था आज उसको व्यापक रूप ले लिया है। और एक ज़माना वो था जब नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट की जगह लालटेन लगती थी और पचकोइयाँ पर भीड़ लगती थी पानी लाने के लिए। आज हर घर में बिजली भी है, पानी भी है और सारी व्यवस्था है और राघोगढ़ ने अपना नाम प्रदेश में और देश में अलग से स्थापित किया है। ये सब संभव हुआ है क्योंकि राघोगढ़ की जनता ने, विधानसभा क्षेत्र ने, नगर पालिका ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और उसी विश्वास के आधार पर हम लोगों ने राघोगढ़ नगर पालिका को, राघोगढ़ नगर को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया है। मैं आज इस अवसर पर आप सब से अपील करता हूं कि किसी भी घटना से विचलित ना हो। जिस आस्था और विश्वास के साथ आपने हमें समर्थन दिया है हमें आज तक, और जो एक पारिवारिक रिश्ता हर नागरिक के साथ हमारा है, उस पारिवारिक रिश्ते के आधार पर ही आप सब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती आरती शर्मा और कांग्रेस के सभी पार्षद उम्मीदवार 2400 वोट में उन्हें आप 17 तारीख को होने वाले मतदान में हाथ के पंजे पर निशान लगाकर, हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं और कांग्रेस के नगर पालिका हर तरह से हर सुविधा के साथ आपकी सेवा करेगी। और मेरी जवाबदारी है कि अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं स्वयं उसको करवाने के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। आप सब से मेरी विनम्र प्रार्थना है 17 जनवरी के होने वाले चुनाव में आप सब कांग्रेस का समर्थन दें। धन्यवाद। नर्मदे हर।